कहते हैं कि अगर ऊंची उड़ान तय करनी हो तो हौसला रखना ज़रूरी होता है और अपने सपनों को कभी धुंधला नहीं पड़ने देना चाहिए। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने ज़ीरो से शुरुआत की और आज ऊंचाइयों के शिखर पर हैं। उन्हीं में से एक नाम है संगीत जगत के जाने माने व्यक्तित्व गुलशन कुमार का। भले वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सफलता सभी के लिए एक मिसाल है। गुलशन कुमार दिल्ली के एक छोटे से परिवार से नाता रखते थे, लेकिन उनके सपनों की ऊंचाइयों ने उन्हें गानों के जगत में एक नया मुकाम हासिल करवाया। गुलशन कुमार जब तक संगीत की सेवा में रहे, उन्होंने एक से बढ़कर एक नगमे रचे और उन्हें अपनी आवाज़ दी। गुलशन कुमार का जन्म 5 मई 1951 में हुआ था। उनका पूरा नाम गुलशन कुमार दुआ था। जब वे एक संगीतकार के रूप में बुलंदियों पर थे, उसी दौरान 12 अगस्त 1957 में उनकी हत्या कर दी गई। आज हम गुलशन कुमार के संघर्ष की बात करेंगे, कैसे उन्होंने एक जूस की दुकान से संगीत की दुनिया में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। गुलशन कुमार का शुरुआती समय काफ़ी कठिन था। वह अपने पिता के साथ दिल्ली के दरियागंज मार्केट में एक जूस की दुकान चलाते थे, लेकिन उनको इस काम से सुकून नहीं मिल पा रहा था। इसके बाद यह काम छोड़कर उन्होंने दिल्ली में ही कैसेट्स की दुकान खोली, जहां वो सस्ते में गाने के कैसेट्स बेचा करते थे। इसके बाद उन्होंने अपना खुद का सुपर कैसेट इंडस्ट्री के नाम से एक ऑडियो कैसेट ऑपरेशन खोला। उन्होंने नोएडा में खुद ही म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी खोली और फिर उसके बाद मुंबई चले गए। गुलशन कुमार का संगीत के दुनिया में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने टी सीरीज कैसेट के जरिए संगीत के को घर घर पहुंचाने का काम किया। उनके निधन के बाद लोगों को लगा कि यह कंपनी डूब जाएगी, लेकिन इसका कार्यभार उनके बेटे भूषण कुमार और बेटी तुलसी कुमार ने अपने कंधों पर ले लिया और उसकी चमक कभी धुंधली नहीं होने दी। और हम देख सकते हैं कि टी सीरीज आज भी सबसे प्रसिद्ध म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी है। गुलशन कुमार हमेशा से ज़मीन से जुड़े इंसान थे और जिंदा दिल भी। तभी तो उन्होंने इसका उदाहरण भी हमारे सामने रखा। उनके कमाई का बहुत सा हिस्सा समाज सेवा में लगता था और वैष्णो देवी में उन्होंने एक भंडारा भी शुरू किया था, जो आज तक चल रहा है। वैसे गुलशन कुमार को लेकर एक और बात यह है कि 1992-93 के समय में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले लोगों में से एक थे। ऐसा माना जाता है कि गुलशन कुमार ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड की जबरन वसूली की मांग के आगे झुकने से मना कर दिया था, जिसके कारण उनकी हत्या कर दी गई। वैसे आपको बता दें कि 12 अगस्त 1957 में मुंबई के एक मंदिर के बाहर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि अब गुलशन कुमार के जीवन पर आधारित एक फिल्म बनने की चर्चा भी है। पहले गुलशन कुमार के रोल के लिए एक्टर अक्षय कुमार को कास्ट किया जाना था, लेकिन अब उनको इस फिल्म से दूर रखा गया है। फिल्म में काम करने के लिए आमिर खान के नाम की भी चर्चा हो चुकी है, मगर अभी फिल्म की कास्ट को लेकर कोई बड़ा खुलासा नहीं आया है।